स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाकर इस केस को क्लोज किया जाए। योर ऑनर, प्लीज मेरी दरख्वास्त है अदालत से कि मुझे मिस्टर वीरेन वदेरा, मुझे इस केस का फैसला आज ही करना होगा। इसलिए आपकी दलील सुनने के बाद ये अदालत आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त देती है। अगर इस वक्त में आप अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो अदालत फैसला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, माय लॉर्ड, मिस्टर वीरेन वडेरा अदालत को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा कातिल, दूसरी गोली, दूसरी गन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय लॉर्ड, कोई बात नहीं मिस्टर माथुर, आप जैसे लोगों को समझ आता नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, लंच ब्रेक में जब मैंने फुटेज वापस देखी तब मुझे ये दूसरी गन की बात रियलाइज हुई। उसी वक्त मैंने पुलिस टीम को करण शेखावत के घर तलाशी के लिए भेजा, दूसरी बुलेट ढूंढने के लिए। और जीविका के हाथ में जो कोल्ट 32 की गन थी उससे निकली हुई बुलेट पुलिस को वहां से मिली। मानी वडेरा के हिसाब से जीविका वडेरा ने सिर्फ एक ही गोली फायर की थी जो मिस फायर होकर उस वाज में लगी थी, और जिस गोली से करण शेखावत मरा था वो जीविका वडेरा से नहीं चली थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, पुलिस को घटनास्थल से सिर्फ एक गन मिली है और वो गन स्मिथ एंड वेसन .33 mm की थी। मिस्टर माथुर, जो जीविका के हाथ में थी। मिस्टर वीरेन, अगर ये गन आपकी वाइफ मिसेज जीविका वडेरा के हाथ में नहीं मिली तो ये घटनास्थल पर आई कहां से? देखिए ऑनर, ये बात मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। करण शेखावत को जब गोली लगी तब वो उधर ही गिर गया। जीविका वडेरा जो काफी डरी हुई थी उस वक्त, उस डर में आके उन्होंने ये गन फेंक दी। मेरी बात पर ध्यान कीजिएगा ऑनर, ये वो गन है जो हमने वीडियो में देखी है, कोल्ट 32 की गन। उसी वक्त विराट वहां पर आ गया। विराट ने मानवी और जीविका से कहा कि वो वहां से चली जाए, और फिर विराट ने वो गन उठा ली। लेकिन योर ऑनर, अब जो विराट ने गन उठाई थी वो स्मिथ एंड वेसन की .33 की गन थी जो पुलिस ने वहां से जब्त की थी। मिस्टर वीरेन, इतनी जल्दी गन चेंज कैसे हो गई? ये कोई जादू था क्या? मतलब चली कोल्ड गन और उठाई गई स्मिथ एंड वेसन गन? नहीं मिस्टर माथुर, ये कोई जादू नहीं था। किसी बहुत ही शातिर इंसान ने वहां पर आकर उस गन को एक्सचेंज कर दिया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई और भी मौजूद था, यानी कि थर्ड एंगल? एब्सोल्युटली मिस्टर माथुर, जीविका और मानवी के अलावा वहां पर कोई और था जिसने करण शेखावत पर गोली चलाई और बहुत समझदारी से वहां से भाग गया।
योर ऑनर, देखिए जब ये घटना हुई तब मानवी और जीविका काफी डरी हुई थी, काफी सहमी हुई थी। इस डर में आके उन्होंने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया कि किसी ने बहुत समझदारी से इन दोनों गन्स को एक्सचेंज किया और वहां से भाग निकला। मिलॉर्ड, मिस्टर वीरेन बेतुकी बातें करके अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे यह साबित हो कि वहां पर कोई तीसरा मौजूद था? बताइए। नहीं माय लॉर्ड, फिलहाल तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं अदालत से बस ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाकर इस केस को क्लोज किया जाए। योर ऑनर, प्लीज मेरी दरख्वास्त है अदालत से कि मुझे। मिस्टर वीरेन वडेरा, मुझे इस केस का फैसला आज ही करना होगा, इसलिए आपकी दलील सुनने के बाद ये अदालत आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त देती है। अगर इस वक्त में आप अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो अदालत फैसला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर 2 आवर्स। सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है, इन 2 घंटे मुझे किसी भी हाल में जीविका को बेकसूर साबित ही करना होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, क्या हुआ बाबूजी? बेटा, एक खुशी की खबर है। पता चला है कि करण की जिस गोली से मौत हुई है वो जीविका की पिस्तौल से नहीं चलाई गई थी बल्कि किसी और पिस्तौल से चलाई गई थी। दूसरी पिस्तौल? मतलब कातिल जीविका नहीं, कोई और है? ग्रेट बाऊजी, आज तो हमें कहना पड़ेगा कि ये परिवार वाकई एक बेहतरीन वकीलों का परिवार है। गर्व है हमें कि इस परिवार में ऐसे वकील हैं जो अपनी हार कभी नहीं मान सकते, चाहे सच कुछ भी हो। दाद देनी चाहिए हमें वीरेन के हुनर की और उसकी कोशिशों की। नजरें छुपाने से सच छुप नहीं जाएगा बाऊजी। वीरेन चाहे 1,00,000 सबूत पेश कर ले, लेकिन जीविका को सजा मिल के रहेगी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, किसका फोन था? कहीं केस के बारे में तो नहीं था? अरे कुछ तो बोल। मैं अभी प्रियंजी जी को फोन करके पता करता हूँ। रुक टप्पू, मैं वीरेन से ही बात कर रही थी। अदालत ने जीविका और विराट को बेगुनाह साबित करते हुए
ब्याह कर दिया। अरे ये तो अच्छी खबर है। असली गुनहगार जसवाल था। ओह, और अब उसे हिरासत में ले लिया है। यस यस यस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।